कंतारा, केजीएफ, आरआरआर, बाहुबली की सक्सेस के बाद सबके मन में ये सवाल है कि ऐसा क्या है कि साउथ इंडियन सिनेमा बॉलीवुड से बेटर परफॉर्म कर पा रही है। थ्री थिंग्स टू नो अबाउट इट। पिछले 4 से 5 सालों में साउथ इंडस्ट्री ने वीएफएक्स, टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ स्क्रिप्ट्स में काफी एडवांसमेंट किया। मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड मूवीज जैसे कि दृश्यम, तेरे नाम, कबीर सिंह रीमेक्स हैं साउथ इंडियन मूवीज के। नेक्स्ट इज नेपोटिज्म। बॉलीवुड में जहां अनडिजर्विंग एक्टर्स को बार बार मौका दिया जा रहा है, वहीं पर साउथ इंडियन सिनेमा में सिर्फ टैलेंटेड एक्टर्स को ही प्रमोट किया गया। अब साउथ इंडियन एक्टर विजय देवरकोंडा बॉलीवुड मूवीज में दिखाई दे रहे हैं जैसे कि लिंगर, और यहाँ से सलमान खान साउथ इंडियन मूवी जैसे कि गॉडफादर में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि आईएमडीबी पर 43 हिंदी मूवीज जो कि जनवरी 2021 के बाद रिलीज हुई, उनकी रेटिंग थी 5.9। ऑन द अदर हैंड हिंदी डब्ड साउथ इंडियन मूवीज की रेटिंग थी 7.3। आपको क्या लगता है, क्या बॉयकॉट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड में बदल पाएगा?